बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं प्रेशर पी ऑफ गैस इन अ कंटेनर वेरीज डायरेक्टली एज टेम्परेचर टी। एक प्रेशर है, ठीक है, ऑफ गैस इन अ कंटेनर वेरीज डायरेक्टली। प्रेशर आपको क्या कह रहे हैं, प्रेशर को किससे डिनोट किया हुआ है, पी से। पहले सबसे हम लिख लेते हैं प्रेशर को पी से डिनोट किया हुआ है, और टेम्परेचर को आपके पास किससे डिनोट किया हुआ है, टी से डिनोट किया हुआ है। टेम्परेचर आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी है, टेम्परेचर के। तो हम लिखेंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शन को जब आप हटाएंगे तो हमारे पास के आ जाएगा और साथ में टी आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अभी हमने यहाँ तक रीड किया था। अब आपको कहते हैं 1 प्रेशर इज 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। आपके पास प्रेशर कितने, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर प्रेशर की यूनिट है। एंड टेम्परेचर इज, आपके पास टेम्परेचर कितने, 75 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास है, ठीक है। 75 सेंटीग्रेड है आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन 1 सबसे पहले हम लिख लेते हैं पी इक्वल्स टू के टी। तो P आपके पास 50 है, K हमने फाइंड करना है, और K टेम्परेचर की आपके पास कितनी वैल्यू है, 75 वैल्यू। अब 75 K के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 50 को डिवाइड कर देते हैं 75 पे। 50 डिवाइडेड बाय 75, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.666 इक्वल्स टू के आ जाएगा। इसका मतलब है के की वैल्यू आपके पास 0.666 आ गई है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, के की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं फाइंड प्रेशर, हमने प्रेशर फाइंड करने, ठीक है, आपने प्रेशर फाइंड करने, एंड टेम्परेचर आपके पास कितने, 150 है। टेम्परेचर आपके पास 150 आ जाएगा। अब हमने यही वाली इक्वेशन 1 लिखनी है। सबसे पहले पी इक्वल्स टू के टी आ जाएगा। P आपने फाइंड करना है, इसको वैसे ही रख देंगे। K की वैल्यू आपके पास 0.666 आ जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 150 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.666 मल्टीप्लाई 150, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 99.9 आ जाएगा। और प्रेशर की यूनिट आपके पास क्वेश्चन में न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर गिवन थी, तो आपने यहाँ पर यूनिट लाजमी लिखनी है। अगर आप अपने आंसर को एंड पे चेक करेंगे तो एंड पे आपके पास 100 है, इन्होंने क्या किया, और लास्ट में जो ऐप के पास आंसर 100 है, तो ये 9 को आपने जब राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ तक भी आंसर आप लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। 3.5 से पहले जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 से भी पहले जितने एक्सरसाइज और क्वेश्चन है आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं।